हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं CBSE NCERT क्लास 12th वितान चैप्टर नंबर 3 अतीत में दबे पाओ। इसके क्वेश्चनों के आंसर, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता थी, परंतु उसमें राजसत्ता या धर्मसत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना में वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है, आडंबर नहीं। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ यातायात के साथ साधन के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, अनाज भंडार भरे थे, नागरिक सुविधा संपन्न थे, किंतु भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गईं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, नावें मिली है। नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता विकसित साधन संपन्न सभ्यता थी, लेकिन भव्यता का दिखावा कहीं नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपुर पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का भरपूर ज्ञान एवं समझ थी, जिसकी छवि उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं से मिलती है। वस्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियों, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्धि से ज़्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता घाटी की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, नावें मिली हैं। नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। यहाँ आम आदमी के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है, अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो समाज के द्वारा पोषित है, राजपोषित है या धर्म पोषित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर है, हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ की मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया। अगर नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता देखने को मिलती है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सैन्य हथियार के अवशेष कहीं नहीं मिलते। पुरातत्व विभाग को ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं मिले जिससे पता चले कि वे असभ्य या हथियार प्रेमी थे। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पास झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, इस कथन से लेखक का आशा है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है जो सबसे अधिक उन्नत और विकसित थी। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियों उस कालखंड तथा उसके पूर्व इतिहास का एहसास एवं परिचय कराती हैं। जब यह सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर रही होगी, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं है, खंडहरों से मिले अवशेष और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है, सड़क निर्माण, जल निकास, स्थान घरों की व्यवस्था सर्वोत्तम है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के उन सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं जिनके भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, सिंधु सभ्यता का इतिहास वर्तमान समय से दुगुने समय से पूर्व का है। यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के दस्तावेज होते हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं जब हमारे पूर्वज उसके साक्षी रहे होंगे, उसका निर्माण और विस्तार किया होगा। आज भी हम किसी भी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुंझुन को महसूस कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों का बौद्धिक सामाजिक स्तर इतना विकसित था कि वे आज भी अनुकरणीय हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मुहरे उन पर बारीकी से की गई है। चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं जिससे कि अब हम केवल दर्शक मात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा होगा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हम चार मीनार के बारे में वर्णन करेंगे। चार मीनार, इस बार की छुट्टियों में हम हैदराबाद गए। वहाँ के ऐतिहासिक स्मरणीय स्थलों में से एक हैदराबाद शहर का चार मीनार हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है जो देखने वाले को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारतों का भी दर्शन कराता है। चार मीनार 1591 में शहर के मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई बृहद वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनार चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। यह आर्च कमरों के दो तलों और आर्चव की गैलरी को सहारा देते हैं। चौकोर संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छोटी मीनार है। ये चार मीनारें हैं जिनके कारण भवन को यह नाम दिया गया है। प्रत्येक मीनार कमल की पत्तियों के आधार की संरचना पर खड़ी है। इस तरह चार मीनार को देखकर हुई अनुभूति एक स्वप्न के साकार होने जैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवें नंबर का, नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं?
आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, आप तर्क दीजिए। तो इसमें आंसर है, मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्थाओं को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मैं लेखक के कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? इसका कारण है, प्रत्येक घर में एक स्नान घर था। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहरी हौदी में आता था और फिर बड़ी नालियों में चला जाता था। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली थी, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद थीं। इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊँचे दर्जे की थी, जो आज दिखाई नहीं पड़ती। उस समय के लोगों में इसकी जागरूकता थी, वे सफाई पसंद करते थे। नगर में पीने के पानी के लिए कुएं का व्यापक प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों के बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं थे। यहाँ का महाकुंभ लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। ये पक्की ईंटों से बना था, जिसमें जल निकास के लिए नालियाँ थीं। सिंधु नदी के समीप होने से जल का व्यापक भंडार था। इस प्रकार इस जो अतीत में दबे पाँव है, इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने।